हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास सिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर डिस्टेंस एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम किसी भी वस्तु का, ठीक है, किसी भी वस्तु की लंबाई है, जैसे हमने उसकी बात की थी, बॉक्स की लंबाई को हम स्केल के माध्यम से किस तरीके से मेजर करेंगे, कौन सा तरीका बिल्कुल सही होगा, किस तरीके से आपको स्केल रखना है, किस तरीके से आपको मेजरमेंट को देखना है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने बात की थी कि किस तरीके से अगर आपके पास कोई कर्व लाइन है, वक्र रेखा है, उसकी लंबाई का मापन आप कर सकते। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो किस तरीके से मूव करती है, गति करती है, और आखिर चीजें गति करती हैं तो वो गति किस प्रकार की होती है, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है मूविंग थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ वस्तुएं गति करती हैं। अब जैसे कि आप कहीं भी होते हो, मान लीजिए आप घर के बाहर खड़े हैं, तो आपके घर के बाहर क्या है, एक सड़क है, ठीक है, घर है, पेड़ पौधे हैं, तो वहां पे आप बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, जो घर हैं, वो क्या है, वो एक जगह रुके। लेकिन जब आप पक्षियों को देखते हैं, किसी व्यक्ति को आते जाते देखते हैं, या कोई गाड़ी आते हुए देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वो क्या कर रही है, वो लगातार अपनी स्थिति बदल रही है, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रुकी हैं, जो समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रही, एक जगह बिल्कुल स्थिर है, वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि चल रही है, गति कर रही है, जैसे कि चिड़िया हो गई, वो उड़ रही है, एक व्यक्ति है जो जा रहा है, जो है गाड़ियां इधर से उधर गति कर रही हैं। तो क्या कर रही है, वो जगह बदल रही है, समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं कि जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो कुछ चीजें स्थिर रहती है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, आपके जो है जितने भी पोल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, घर हो गए, ये सब चीजें क्या हो जाती है, एक जगह रुकी हुई होती है। वहीं क्या होता है, कुछ चीजें गतिमान होती है, जैसे चिड़िया उड़ रही है या मक्खियां उड़ रही हैं, कोई व्यक्ति चल रहा है, किसी ने क्या किया, बॉल को किक करी, तो बॉल क्या करने लगी, समय के साथ अपनी स्थिति बदलने लगी। इस तरीके से हम अनेकों चीजें ऑब्जर्व करते। अब इसी प्रकार से जो है हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी वस्तु या कोई भी जो आपके चीज है वो अपनी स्थिति बदलती है। एक एक्टिविटी के माध्यम से हम मोशन यानी गति के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। आपको क्या करना है, फर्श पर कहीं पर जो है चीनी बिखेर देनी, ठीक है, आप चीनी बिखेर देंगे, कुछ टाइम तक आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे कि आप देखते होंगे कि जैसे चीनी या मीठी चीज जहां गिरी होती है तो वहां पे चींटी आ जाती है, तो वहां पे क्या होगी, आपकी चींटी आ जाएगी। अब आप क्या करना है, आपको किसी भी एक चींटी को ऑब्जर्व करना है, उसे देखना है, उसे ध्यान पूर्वक देखना है कि वो क्या करती है। तो आप कुछ इस तरीके से देखेंगे, मान लीजिए एक चींटी है जिसको आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि वो क्या करती है, वो इस तरीके से आपका क्या है, आपने चीनी बिखेरी है, तो चीनी पहले एक जो आपके पास क्रिस्टल है, टुकड़ा है, उस पे जाती है, फिर आप देखेंगे उसे, तो फिर वो क्या करती है, वो फिर दूसरे टुकड़े पे जाती है, फिर तीसरे टुकड़े पे जाती है, तो इस तरीके से आपको चींटी जो है दिखाई देती है चलते। या आपने देखा होगा कुछ कुछ क्या करती है, छोटे छोटे जो क्रिस्टल होते हैं उनको उठा के ले जा रही होती है। तो आप जब ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि जो चींटी है वो क्या कर रही है, गति कर रही है, गति कर रही है यानी मोशन में है, यानी टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन यानी स्थिति को बदल रही। ठीक है,
ये आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम मोशन यानी गति के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या देखा, चींटी क्या कर रही है, टाइम के साथ अपनी स्थिति बदल रही है। पहले वो एक टुकड़े यानी एक जो आपके चीनी का क्रिस्टल था उसके पास थी, फिर दूसरे क्रिस्टल के पास, फिर तीसरे क्रिस्टल के पास, तो कुछ समय बाद क्या हो रहा है, उसकी स्थिति बदल रही है। तो यही मोशन यानी गति कहलाती है। तो गति यानी मोशन क्या है? मोशन या गति किसी भी वस्तु की वह अवस्था है जिसमें वो समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है। ठीक है, समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए सड़क है, यहाँ पे हम बिंदु बना देते हैं ए, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट। ठीक है, अब मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, वो ए बिंदु से चलना शुरू होती है। अब ए बिंदु से वो चलना शुरू होती है, तो जब वो ए बिंदु से चलना शुरू हुई, मान लीजिए उस समय सुबह के 8 बज रहे हैं। ठीक है, सुबह 8 बजे क्या हुआ, एक गाड़ी ए बिंदु से चलना शुरू हुई। फिर क्या हुआ, फिर कुछ समय बाद वो गाड़ी बी बिंदु पे पहुंची। जब वो बी बिंदु पे पहुंची, उस समय समय हुआ था 8:30 बजे। ठीक है, उस समय 8:30 बज रहे थे। फिर कुछ समय बाद सी बिंदु पे पहुंची, अब इस समय क्या हो रहा था, 9 बज रहे थे। फिर क्या हुआ था, फिर डी बिंदु पे पहुंची, तो उस समय समय क्या था, 9:30। फिर ई बिंदु पे पहुंची, तो उस समय समय कितना हो रहा था, 10 बज रहे थे। तो क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि जो ये गाड़ी है, जो ये वाहन है, वो पहले ए बिंदु पे थी 8 बजे, फिर 8:30 बजे बी पर, 9 बजे सी पर, डी पर 9:30 बजे थी, ई पर 10 बजे थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है। पहले 8 बज रहे थे, फिर 8:30 हुए, 9 हुए, 9:30 हुए, 10 बज गए। और क्या हो रहा है, जो आपका वाहन है उसकी स्थिति भी बदल रही है। तो यही क्या कहलाता है, मोशन या गति। ठीक है, अब जो समय अंतराल हो सकता है वो कुछ सेकंड का भी हो सकता है, यानी कुछ सेकंड में ही पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, तो मोशन क्या होता है, गति क्या होता है, गति जो है किसी भी वस्तु की वह अवस्था है जिसमें वो समय के बदलने के साथ साथ अपनी स्थिति को बदलती या चलती है। जैसे चलना हो गया, वॉकिंग, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी क्या है, मोशन है, गति है। ठीक है, आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, इन सब स्थितियों में समय के साथ अपनी स्थिति बदल रहे हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, मोशन यानी गति के एग्जाम्पल। मोशन, इट इज अ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच दे आर मूविंग, यानी यह वस्तुओं की वह अवस्था है जिसमें वे गति कर रहे हैं। दैट इज दे आर चेंजिंग देयर प्लेस विद द चेंजिंग टाइम, यानी क्या करते हैं, अर्थात वे बदलते समय के साथ अपना स्थान या अपनी स्थिति बदलते हैं। अब नेक्स्ट आपका टर्म है रेस्ट, यानी विराम अवस्था। ठीक है, रेस्ट यानी विराम अवस्था। तो विराम अवस्था क्या होती, मान लीजिए आप जो है कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, किसी सड़क के किनारे खड़े हैं। अब क्या होता है, आप देखते हैं कि एक पेड़ सड़क के किनारे है, अभी 8 बज रहे हैं वो वहीं पर है, ठीक है, 9 बज रहे हैं वहीं पर रहता है, 10 बज रहे हैं वहीं पर, यानी वो कहा क्या है, वो एक जगह रुका हुआ है। ठीक है, स्थिर है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कि रेस्ट में कौन सी वस्तुएं हैं, विराम अवस्था में कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे आपका पेड़ हो गया। क्यों कहा, क्योंकि समय बीतता जा रहा है पर वो अपनी स्थिति नहीं बदलता। इसी तरीके से मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, वो एक जगह खड़ी है, किसी जो है रोड के किनारे खड़ी है।
अभी 8 बज रहे हैं, अभी भी वो वहीं पे है। 9 बज रहे हैं, अभी भी वो वहीं पे है। 10 बज रहे हैं, अभी भी वो वहीं पे। यानी क्या हो रहा है, वो समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रही, अपनी पोजीशन नहीं बदल रही। तो वह अवस्था जिसमें वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदलती है, वही रेस्ट कहलाता है या विराम अवस्था कहलाता है। ठीक है, तो विराम अवस्था क्या होती है? जब भी कोई वस्तु रुकी होती है, एक जगह स्थिर होती है, रुकी है, वो कहीं हिल डुल नहीं रही, कहीं मूव नहीं कर रही, यानी समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रही है, तो हम क्या कहते हैं? वस्तु विराम अवस्था। ऑल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन मोशन, दैट इज डू नॉट चेंज देयर पोजिशन विद टाइम, आर सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, सभी वस्तुएं जो गति में नहीं है, अर्थात समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती है, उन्हें विराम अवस्था में कहा जाता है, यानी रेस्ट की पोजीशन में उसे कहा जाता है। ठीक है, तो मोशन क्या होता है, गति क्या होती है? गति को आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं कि समय के साथ समय बीतता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है और कोई वस्तु अपनी स्थिति बदल रही है। और विराम अवस्था या रेस्ट किसे कहते हैं? जब भी समय बीतता जाता है लेकिन वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु विराम अवस्था। ठीक है, तो ये आपका मोशन और रेस्ट का जो है कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मोशन की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, तो गति का अर्थ क्या होता है? जीआईसी कोट कंडारा, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जिसके पास माइक है वो आगे खड़े हो जाइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम साहिल। साहिल बेटा, आप ये बताइए कि अगर कोई गाड़ी जो है सड़क पर चल रही है, तो वह गाड़ी रेस्ट पे होगी या आपके मोशन में होगी, यानी विराम अवस्था में होगी या गति में होगी? मैम क्या, मान लीजिए किसी सड़क पर कोई गाड़ी चल रही है। ठीक है, एक सड़क है, उस पे गाड़ी चल रही है, तो आप गाड़ी के बारे में क्या कहेंगे? वो गति कर रही है या फिर वो विराम अवस्था में है? मैम ये हल्ला कर रहे। जी ऐसे कोर्ट कंडारा बेटा, ठीक तरीके से बैठिए आप लोग। मैम तीन प्रकार के बेटा, मैंने ये बोला कि सड़क है, मान लीजिए कोई सड़क है, ठीक है, वहां पे गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी गति कर रही है या फिर वो विराम अवस्था में, क्या कहेंगे आप कि वो विराम अवस्था में है या फिर गति कर रही है? मैं विराम, मैं विराम अवस्था। विराम अवस्था। अच्छा, अगर कोई गाड़ी जो है सड़क के किनारे खड़ी है, तो फिर वो किस अवस्था में, गति कर रही है या फिर वो विराम अवस्था में? मैम गति। बेटा गति क्या होता है, गति मोशन क्या होता है, बताएंगे आप? मैम सीधी मोशन। सीधी मोशन। कोई और बच्चा बताना चाहता है? जी आईसी कोड खंडारा। जी जी आईसी सुल्तानपुर, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। बेटा फटाफट माइक लीजिए।
बेटा माइक ले लीजिए। हेलो। गुड हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग मैम। आपका नाम क्या है? आप मैम साहिबा, कौन सी क्लास में हो? 7B। ठीक है, वेरी गुड। 7th में हो आप? ठीक है, तो आपको पता होगा गति क्या होती है। ठीक यस मैम। है, तो बताइए आप गति क्या होती है। ना अच्छा, एग्जाम्पल दे दीजिए। ना। अच्छा, कोई जो है गाड़ी है वो सड़क पे चल रही है, तो वो गति गति में होगी या वो विराम अवस्था में होगी? अवस्था में कौन सी अवस्था में? गति में होगी या विराम अवस्था में? गति में रेस्ट में होगी? ठीक है, आपने कैसे कहा कि ये गति में है? वेरी गुड साहिब, आपने ठीक आंसर गति दिया कि जो गाड़ी है वो चल रही है, यानी वो गति में। ठीक है, गति का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ जो आपकी वस्तु है वो क्या कर रही है, वो अपनी स्थिति बदल रही है। ठीक है, अपनी जगह बदल रही है। तो जैसे कि हम जब चलते हैं, ठीक है, हम भाग रहे हैं, ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये सब किसके उदाहरण है? गति के उदाहरण। ठीक है, बैठ जाइए। जीआईसी डीडी हार्ट को एक बच्चा माइक ले लीजिए। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम सुमित चौहान, आप कौन सी क्लास में है? 11th। ठीक है, 11th में है। तो आप जो है मोशन को अच्छे से बताइए कि मोशन यानी गति क्या होती है। आपने तो पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। मोशन हो जाता है जब मैम एक ऑब्जेक्ट है दूसरी जगह वो मूव कर रहा है, मैम वो हाँ, मोशन वेरी है। गुड। ठीक है, वेरी गुड। और टेक्निकल लैंग्वेज में आप क्या कहेंगे, जो आपको बुक में, आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, अभी 11th में भी पढ़ा होगा मोशन का कॉन्सेप्ट। वन ऑब्जेक्ट है मूव द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज मोशन। ठीक है, और क्या कहते हैं इसमें? आपने तो बिल्कुल सही बोला कि मूव करती है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। ठीक है, तो मोशन क्या होता है कि आप टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वही मोशन कहलाता है, मतलब चलना। ठीक है, वही चीज है मूव। जब हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि क्या हो रहा है, समय बीतता जा रहा है और हमारी स्थिति बदल रही है। ठीक है, हम चल रहे हैं इसका उदाहरण है। ठीक है, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, ये सब क्या है? मोशन का एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की, यानी गति के प्रकार। तो यहाँ पे हम गति के प्रकार देखेंगे। ठीक, तो हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से गति के प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक सीधी सड़क है और उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो है आपके जो वाहन है, जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, वो चल रहे हैं। ठीक है, गति कर रहे हैं यानी चल रहे हैं, चलना यानी गति करना हो गया, मोशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे वाहन है वो बिल्कुल एक सीधी सड़क पे चल रहे। सीधी सड़क में चलने का अर्थ क्या है, वो बिल्कुल सीधा चल रहे। इसी तरीके से मान लीजिए आपने देखा होगा जब भी मार्च पास करते हैं तो जो ग्रुप होता है सोल्जर्स का, जो आपके सैनिक होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलता है। ठीक है, बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलता है।
तो ये एक आपका मोशन का प्रकार है जिसे आप रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, तो सरल रेखीय गति क्या होती है? वह गति जिसमें वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, यानी वो मोशन जिसमें क्या हो रही है, बॉडी मूव कर रही है और किसमें कर रही है, बिल्कुल एक सीधी लाइन में, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए पेड़ में क्या है, आपके फल लगे, फल पक गए, पकने के बाद फल क्या करते हैं, नीचे गिरते हैं। तो जब वो नीचे गिरते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिरते हैं। ठीक है, और कैसे गिरते हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, गति कर रहे हैं, और कैसे गए, बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो ये आपका किसका उदाहरण है, रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति का उदाहरण। इसी तरीके से मान लीजिए एक बहुत भारी सा जो है बॉक्स है आपके पास, उसे आप क्या करना चाहते हैं, खिसकाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको उस पर एक साइड से धक्का देंगे। धक्का देंगे तो क्या कर रहे हैं आप, बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और आप क्या देखते हैं कि आप यहां से मान लीजिए बल लगाते हैं तो जो आपका बॉक्स है वो इधर पे गति करता है और बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई वस्तु गति करती है, मोशन करती है और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में करती है, यानी सीधी रेखा में वो गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो इस प्रकार का जो मोशन होता है या गति होती है वह क्या कहलाती है, रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरल रेखा के अनुदिश गति या सरल रेखीय गति। ठीक है, द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं, इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। तो आपका सबसे पहला जो प्रकार है गति का, सबसे पहला टाइप है जो मोशन का, वो क्या है आपका, रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति। ठीक है, अब हम अगले जो आपका प्रकार है उसकी ओर चलते। आपने देखा होगा जो आपका सीलिंग फैन होता है, ठीक है, पंखा होता है, पंखे जो होते हैं वो कैसी गति करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, इस तरीके से गोल गोल घूमते हैं। या आपके जैसे कि जो कोलू होता है उसमें किस तरीके से घूमता है, बस गोल गोल घूमता है। ठीक है, इस प्रकार की जो गति होती है जिसमें कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पथ में या सर्कुलर पाथ में मूव करता है, गति करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। इसका और भी आपके उदाहरण है, जैसे कि आपने क्या किया, एक पत्थर लिया या आपने एक बॉल ली, उसे एक धागे से बांध दिया और आपने क्या किया, धागे का जो सिरा है उसे अपने हाथ में पकड़ा और उसे गोल गोल घुमाया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखते हैं कि बॉल जो है इस तरीके से गोल घूमती है। ठीक है, एक वृत्तीय पथ में घूमती है, इस तरीके से गोल घूमती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी बॉल है वो क्या कर रही है, एक वृत्तीय पथ में घूम रही है, यानी वो क्या कर रही है, वो एक वृत्तीय गति कर रही है, यानी सर्कुलर मोशन कर रही है। इसी तरीके से जो हमारी सैटेलाइट होती है, ठीक है, उपग्रह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पृथ्वी के चारों ओर उसका क्या करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसका चक्कर काटते हैं। ठीक है, एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, तरीके से घूमते हैं। ठीक है, और कैसा पथ होता है उनका, सर्कुलर, यानी वो एक सर्कल में या एक वृत्तीय पथ में चलते हैं। तो जब भी कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ में चलती है तो हम क्या कहते हैं कि वो जो वस्तु है वो किसमें है, वृत्तीय गति में है या वर्तुलाकार गति में है या सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रकार हो गया गति। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और रोटेशन अलोंग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। किसी वृत्त की परिधि के साथ साथ वृत्ताकार पथ
किसी वस्तु की गति या वृत्ताकार पथ के साथ साथ घूमने की गति को कृत्य गति कहा जाता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा या जिसे आप सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, सरल रेखीय गति में वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। अब जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, वृत्तीय गति की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु सर्कल में चलती है, यानी एक वृत्तीय पथ पे इस तरीके से गोल गोल घूमती है। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन में बिल्कुल सीधे चलेगी, सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमेगी। ठीक है, इस तरीके। ठीक है, तो ये आपके दो प्रकार है गति। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि गति क्या होती है, मोशन क्या होता है, आपका जो है विराम अवस्था या रेस्ट क्या होती है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो है जो आपकी गति है उसके तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, मोशन थ्री टाइप्स का होता है। पहला है सरल रेखीय गति, जिसे आप रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरा है आपका सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। और नेक्स्ट जो आपका मोशन का टाइप है, जिसे आप पीरियोडिक मोशन कहते हो, ठीक है, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।